तमाम दोस्तों को जवेद इकबाल की तरफ से, अल मौज़म इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्तों के सवाल आ रहे थे, सर आप एलसीडी पे वीडियो बनाते हैं, टीवी पे वीडियो बनाएं, तो आज उन तमाम दोस्तों की रहनुमाई के लिए टीवी पे वीडियो बना रहे हैं हम लोग। टीवी के फॉल्ट कैसे निकाले जाते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, इंशाल्लाह दोस्तों आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करूँगा मैं। तो आएँ दोस्तों, देखते हैं टीवी के फॉल्ट कैसे निकाले जाते हैं। जी दोस्तों, ये एक फ़िलिप्स का टीवी है मेरे पास। सबसे पहले इसको पावर ऑन करके इसका फॉल्ट देखते हैं हम। ये दोस्तों इसकी ब्लू गन जो है वो शॉर्ट आ रही है, सेट बंद हो गया। फ़िलिप्स का ये होता है कि जैसे ही इसमें कोई फॉल्ट आता है, ये प्रोटेक्शन पे चला जाता है, बंद हो जाता है। दोस्तों एक बार दोबारा पोजीशन दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि टीवी में फॉल्ट क्या आ रहा है। ये दोस्तों दोबारा से देखते हैं हम, इसकी ब्लू गन शॉर्ट आ रही है, ब्लू गन शॉर्ट है इसकी। तो अब दोस्तों हम इसका फॉल्ट निकालते हैं। दोस्तों सेट मैंने खोल लिया है। अब दोस्तों इसमें दो चीज़ें हैं, या तो हमारी पिक्चर ट्यूब की ब्लू गन शॉर्ट हो गई है, या हमारा आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू का ट्रांसिस्टर जो है वो शॉर्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस बेस को हम उतार के सबसे पहले ट्रांसिस्टर को चेक करेंगे। ये दोस्तों हमारा मीटर है, जी दोस्तों ये हमारा ब्लू गन का ट्रांसिस्टर आ गया। ब्लू गन ये हमारी बेस है और ये हमारा ब्लू गन का ट्रांसिस्टर है। ये दोस्तों ये आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, फुल शॉट आ रहा है। ब्लू गन का ट्रांसिस्टर हमारा फुल शॉट आ रहा है। तो दोस्तों हम इसको निकाल के नए से चेंज करते हैं। ये दोस्तों फ़िलिप्स में जो ट्रांसिस्टर यूज़ होते हैं BF422 और BF423, ये BF422 हम नए से लगाएंगे इसमें। फ़िलिप्स हेड के दोस्तों प्रिंट थोड़े से नाजुक होते हैं, इसलिए बड़े प्यार से काम करना पड़ता है फ़िलिप्स का। ये दोस्तों ये हमारा पार्ट्स नए से लग गया। इस पार्ट्स को चेक करना बेहतर होता है, नए पार्ट्स भी आजकल ख़राब निकल आते हैं। तो जी दोस्तों ये हमारा सेट इंशाल्लाह ओके हो चुका है। हम इसको चला के चेक करेंगे सबसे नए पार्ट्स का जो है वो रिज़ल्ट क्या मिलता है, सेट हमारा ओके होता है कि नहीं होता है। जी दोस्तों ये आपने देखा दोस्तों, सेट हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। अभी इसको हम केबल लगा के चेक करेंगे। ये दोस्तों सेट हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है, जो हमारा फॉल्ट हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। बहुत आसान तरीके से दोस्तों मैंने काम करके दिखाया समझाया, ताकि तमाम दोस्तों की रहनुमाई हो सके। तमाम दोस्तों ने देखा हम टीवी की शॉर्ट गन को कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा
ट्यूब में थ्री गन्स होती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर ब्लू गन शॉर्ट है तो ब्लू ट्रांसिस्टर चेक करें आप, रेड पे लगा होता है ड्राइवर और ग्रीन पे ड्राइवर लगा होता है ट्रांसिस्टर, जो रेड ग्रीन ब्लू को ड्राइव करते हैं। तो हमारा ब्लू गन ट्रांसिस्टर शॉर्ट था, हमने वो नए से लगाया BF-422 और हमारा फॉल्ट क्लियर हो गया। तो ऐसे दोस्तों, अगर रेड गन शॉर्ट आती है या ग्रीन गन शॉर्ट आती है तो आप आसानी टीवी को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों की रहनुमाई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए जावेद इकबाल को इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।